आरक्षण को हमसे छीनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी हमारी मांगे पूरी करो। हमारी जो पहले 100% आरक्षण पहले गए समय उस सल्लू वाले ब्लॉग चैनल आज आपके लिए पहुंचा हूं बदायूं के अंबेडकर पार्क पर। और आज आपके लिए दिखाने वाला हूं पूरा जुलूस जो बदायूं शहर में भारत बंद यात्रा निकाली जा रही है 21 अगस्त के लिए। और आज आपके लिए दिखाते हैं पूरा व्यू है किस प्रकार से शांतिपूर्वक यात्रा निकाली गई। जो सत्य भाई कितनी ढेर सारी भीड़ है और आज बदायूं शहर में जुलूस निकाला जा रहा है जो हम आपके लिए पूरा कैप्चर करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। और अभी हम हैं पार्क के अंदर और हमारे भाई जो बाबा साहब के लिए तहे दिल से मानते हैं और हमारे अंशुल भाई, देखिएगा भाई नज़ारा। और चलते दिखाएंगे आपके लिए पूरा जुलूस। जय भीम। और ये हमारे भाई हर्षित भाई काफ़ी संघर्ष करते हैं और बाबा साहब के बहुत दीवाने बहुत भक्त हैं भाई, और इनका भी जोरदार स्वागत किया जाएगा बधाइयों में। फाइनली गाइस सभी हम हैं पार्क के अंदर ही और इधर साइड से काफ़ी भीड़ है जो हम आपके लिए दिखा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में निकाले जाएगा जुलूस और ये जुलूस वो संविधान भारत का संविधान हटाने के विरोध में निकाला जा रहा है। और ये सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है जो हम आपके लिए कैप्चर करके दिखा रहे हैं जूम से। और काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग आए हुए हैं गाँव से दूर दूर से जो हम आज आपके लिए पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। और आप हमारा ब्लॉग देखें और पूरा ब्लॉग देखने के बाद हमें बताएं कि आपके लिए हमारे वीडियो कैसा लगा। और सल्लू आल ब्लॉग चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और देख सकते हो तो काफ़ी जाम लग चुका है और पुलिस का भी बहुत ही ज़्यादा कड़ा इंतज़ाम किया गया है। और जो संविधान हटाने के विरोध में ये पूरा जुलूस निकाला जा रहा है बदायूं शहर में, देख सकते हो इधर शॉर्ट से वो कह रहे हैं कि हमें कोई जोर जबरदस्ती से दुकानें बंद नहीं करना है, ना कोई गलत बोलना है, नहीं किसी के लिए कोई गाली गलौज देनी है। तो इसमें ये रेडियो लगे हुए हैं, इसमें पूरे भाषण दिए जा रहे हैं ठीक से। और बहुत ही शांतिपूर्वक से बदायूं शहर में जो जुलूस निकाला जाएगा जो हम आपके लिए दिखाएंगे पूरा ब्लॉग। और सल्लू वाले ब्लॉग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। और काफ़ी पुलिस भी खड़ी हुई है बैरियर लगा के सामने। और हम चलते हैं आगे की ओर आपके लिए दिखाने के लिए पूरा ब्लॉग, क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग गांव से भी आए हुए हैं और काफ़ी यार चाहने वाले हैं बाबा साहब को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देखकर कि यहाँ फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अंबेडकर पार्क से बाहर। और काफ़ी अच्छी तरीके से बदायूं शहर में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा है और हम भी जा रहे हैं जुलूस के आगे। देख सकते हो आगे निकल चुका है और हम पीछे हैं जुलूस के। देख सकते हो पूरा व्यू वही है। सल्लू वाला चैनल आपके लिए पूरा आज बदायूं के जुलूस 21 अगस्त भारत बंद का आंदोलन का पूरा वीडियो दिखाएगा। पूरा वीडियो देखें और सपोर्ट करें अपने भाई के लिए, क्योंकि हम चल रहे हैं आगे आगे और हमारे एक जुलूस मतलब पीछे भी आ रहा है। देख क्योंकि एक तो आगे निकल चुका है और दूसरा रह गया है पीछे इधर साइड से। आप देख सकते हो पीछे की ओर ये है BSP वाले हैं सारे लोग और सामने जो पीछे आ रहे हैं यहाँ पे बहन जी के झंडे लगे हुए हैं जैसा कि हम आपके लिए दिखा सकते हैं। और हम भी भाई जोर शोरों के साथ चल रहे हैं जय भीम का नारा देकर। और आप पूरा ब्लॉग देखकर सपोर्ट कर सल्लू वाले ब्लॉग चैनल के लिए। हमारा जो कुछ है हटाना चाह रहा क्यों?
उसको करो, उसको बताना चाह रहे हो तुम? और बोलो, देख सकते हो काफ़ी भीड़ है सभी अम्बेडकर वादियों की जो आज इकट्ठे हुए हैं और बदायूं में पूरा चक्का जाम कर दिया है इस जुलूस ने। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जैसा कि हम आपके लिए पूरा कैप्चर करके दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो भाई देख सकते हो, और हमें बारीक बारीक से पूरा वीडियो मैंने लिया है। देख सकते हो भीड़ पहले आप कितनी ढेर सारी भीड़ है, और बाबा साहब को चाहने वाले बहुत हैं और संविधान बचाने वाले भी बहुत हैं, और पुलिस वाले भी आ चुके हैं सामने देख सकते हो आप जो आपके लिए दिखा रहे हैं। और ये यानी कि पूरी लोन लाट की भीड़ दोबारा पार्क पे ही आ चुकी है, जैसा कि हम पूरा घूमे हैं जुलूस के साथ, तो यहीं पे सारे लोग आ गए हैं दोबारा, जैसा कि हम आपके लिए दिखा रहे हैं। कोई गाड़ी ना निकले यहाँ से, आज एम्बुलेंस हम घर निकलवा रहे हैं। बताओ कौन पत्रकार सर, पुलिस वाले अपनी नौकरी के मारे जा रहे हैं। भाई साहब पूरी पुलिस की वो यानी कि रोक ली गई है, और डर साहब से हमारे अतुल भाई हैं, स्कूल की बस है यार, बच्चे निकल जा रहे हैं। आ जाओ निकल जाऊंगा, स्कूल वाले निकल जाओ, कोई इधर उधर से बच्चों की स्कूल की बस के लिए निकाला जा रहा है, जैसा कि हम आपके लिए पूरा कैप्चर करके दिखा रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग अच्छे हैं जो उन्होंने बस को नहीं रोका और बच्चे स्कूल के बच्चों को की बसों के लिए निकलवा दिया सामने देख सकते हो। और हमारे भाई बहुत ही मेहनत पर लगे हुए हैं सामने, और बस के लिए पूरा निकाल दिया गया है बाहर। और यह भावा चौराहा है बदायूं का, जैसा कि हम आपके लिए दिखा रहे हैं, और काफ़ी पुलिस का भी कड़ा इंतजाम है, जैसा कि कोई गलत नहीं हो और तोड़फोड़ भी नहीं हो, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्वक के तरीके से बदायूं शहर में जुलूस निकाला गया संविधान हटाने के विरोध में। देख सकते हो आप पूरे ब्लॉग देखकर सपोर्ट करो सल्लू आल ब्लॉग चैनल के लिए। अब सारे लोग यानी कि अम्बेडकर पार्क पे ही जा रहे हैं, वहाँ भी बैठ के धरना करेंगे, और सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, देखिएगा ये मोदी की गाड़ियां चला रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ बताओ, मैं कहता हूँ बहन जी, अगर आज नौबत नहीं आती आज ये प्रदर्शन नहीं निकलता इस टाइम, ये आप दे रहे हो भीड़ देखो, बेईमानी की नियत होती है वो बेईमान, वो दूसरों का दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचता है, गलत विचार करता है, गलत कार्य करता है, और जिसके अंदर इंसाफ होता है। चार बार सीएम मायावती बहन जी बन चुकी थी,
तो लोग हीरो बन चुके थे, ठीक है। आज आपको देखिए सड़कों पर उतरने लोगों को उतरना पड़ रहा है, ये देखिए देखिएगा देखिएगा ये बात नहीं आ रही। और ये देखिएगा मेरे पीछे, हाँ लोगों के समझ में आ रही है, पर धीरे धीरे आ रही है लोगों के समझ में आ रही है, पर धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हकीकत क्या है, ठीक है। तो मैं मुझे भी मैं यही चाहता हूँ जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, ऐसी ऐसी लोगों के लोग हैं, वो सब एक ही जाति में आए और एक ही समाज को संगठन करें, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करें भाई, सपोर्ट करें बहन जी को, ठीक है। भारतीय संविधान में वोट अधिकार हर किसी को है, हर किसी का है। साहब के भारतीय संविधान में अपनी बात रखने का अधिकार है। अमर है, 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 अमर है। भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून के तौर पर, कानून के बतौर पर हम लोगों को अधिकार का बराबर का दर्जा दिया। बाबा साहब ने जिस आरक्षण की आज बात चल रही है, जिसको माननीय मोदी जी इस आरक्षण को हमसे छीनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसी आरक्षण के लिए बाबा साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था हमारे लोगों का डबल वोट होना चाहिए, लेकिन डबल की जगह पर हमारे ही आज जो सीटें आरक्षित थी उनमें लोग बीजेपी, सपा, कांग्रेस, भाजपा तमाम दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था वहाँ हमारा ही होना चाहिए, दूसरी पार्टियां नहीं होनी चाहिए, दूसरे नेता नहीं होना चाहिए। तो वो लोग आज हमारी सीटों पर राजनीति कर रहे हैं, हमी को हर तरह से गिराने की सोच पैदा कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो हक और अधिकार दिया है उसको पहचानो, उसको जानो और समझो, तभी तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे भविष्य का, क्योंकि तभी कुछ विकास हो सकता है। यदि आप खामोश बैठे रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुमको जीना हराम कर देंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, निकलो अपने मकानों से। हमारे भाई ने देख सकते हो पूरी पानी का बोतल का पूरा पैकेट खरीद लिया है और ये देने जा रहे हैं पुलिस वालों के लिए, जो धूप में, कड़कती धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके लिए पानी की बोतलें देने जा रहे हैं हमारे भाई। देख सकते हो जैसा कि हम आपके लिए दिखा रहे हैं, इधर साइड से उन्होंने एक बोतल दी है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी धूप में सभी के लिए पानी पिला रहे हैं। देख सकते हो आप एक एक बोतल देते जा रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सल्लू अरब लोग चैनल सब्सक्राइब करें और देखें किस प्रकार से हमारे भाई पुलिस वालों के लिए पानी पिला रहे हैं, सभी के लिए दे रहे हैं दो भाई, चाहे कोई भी सही। देख सकते हो आप सामने, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अपना गांव, शहर, मोहल्ला का नाम लिखकर हमें बताएं कि आपने हमारे वीडियो कहां से देखा, कहां से वाचिंग किया है, जल्दी से। काफ़ी, क्योंकि अभी हम हैं अम्बेडकर पार्क की ओर, क्योंकि पूरा जाम कर दिया, पूरा चक्का जाम दे सकते हो, जो हम आपके लिए पूरा ब्लॉकिंग दिखा रहे हैं, और पूरे बाबा बैठे हुए हैं क्योंकि रोड पूरा जाम कर दिया है इधर साइड से। रास्ता ला रही, रास्ता बताइए हमें थोड़ी है का, क्योंकि ये बड़ा पूरा रोड भाई जाम कर दिया है। हम अलविदा लेते हैं इस वीडियो से, हमने आपके लिए पूरा बधाइयों में जो निकला जुलूस उसका पूरा वीडियो दिखा दिया है, और आपने हमारा वीडियो कहां से देखा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और सल्लो आरे ब्लॉग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, ऐसे ही जोरदार ब्लॉग आपके लिए देखने के लिए मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।